आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश लाइक अ नेटिव लैंग्वेज। तो इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाली हूँ, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश, दिस इज वेरी इजी। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना सारा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप सिर्फ स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको इतना सा ग्रामर जानने की जरूरत है और कुछ नहीं। बाकी जो जरूरत है वो है प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस और डेडिकेशन। आप ये स्पोकन इंग्लिश सीखने के प्रति कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जो सीखना चाहते हैं सच में, उनके लिए एक नई सीरीज तैयार कर रही हूँ, जिसमें क्या करूंगी मैं डेली आपको गाइडेंस दूंगी, ठीक है। मेरा वीडियो 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, कोशिश करूंगी उससे कम का ही बने, लेकिन 15 मिनट मैंने एवरेज रखा हुआ है। तो 15 मिनट आप मान लो खाना खा के लेटे हुए तो भी वो गाइडलाइन आप सुन सकते हो और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी ही करनी है, एक टाइम टेबल बना लीजिए उसी अकॉर्डिंग। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ मैं सिर्फ आज दो पॉइंट पे डिस्कस करने वाली हूँ। आज मैं आपको प्रिपेयर करूंगी कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली बात तो ये कि डेडिकेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डेडिकेट होना बहुत जरूरी है आप सच में सीखना चाहते हैं। दूसरा है प्रैक्टिस, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आप जल्दी सीख जाओगे। तो पहली बात तो आप ये सोचिए कि आपने जो भी आपकी मदर टंग है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, तमिल, तेलुगु, एनीथिंग यू हैव, आपकी कोई भी मदर टंग है, आपने वो सीखी कैसे, बस आप इतना विचार कीजिए। तो आपके मन में विचार आएगा, सबसे पहले हमने सुना, ठीक है, पैदा हुए उसके बाद हमने सुना, क्योंकि हमारे माता पिता आसपास के लोग वही भाषा बोलते थे जो हमें आज आती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, आप एक साल के हुए, ठीक है, एक साल के क्या, एक महीने में ही बच्चा थोड़ा सा कूं तो करने लगता है, लेकिन सही भाषा की बात की जाए तो एक साल में वो एक एक वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, स्पीकिंग, पहले आपने लिसनिंग की यानी कि सुना, फिर आपने बोलना स्टार्ट किया, और फिर जब आप एक साल में आपने मान लीजिए सुनते रहे एक साल तक, दूसरे साल में आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तीसरे साल में जब आप नर्सरी में स्कूल वगैरह जाते हो तो आपको पेंसिल पकड़ाई जाती है और आप फिर क्या करते हो, लेकिन पहले आप स्कूल जाते हो तो पढ़ते हो, यानी आपको राइम्स वगैरह सिखाई जाती हैं, ठीक है, रटाई जाती हैं, सिखाई क्या जाती है, रटाई जाती है, तो आप पढ़ते हो, पढ़ते नहीं हो लेकिन बोलते हो, और वो पढ़ने में ही आता है, ठीक है, शुरुआत में पहले। फिर लास्ट में क्या है आपका, राइटिंग, फिर आप लिखते हो। तो एक्चुअली ये क्या है, 4 पिलर्स हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने के, LSRW। आपने यदि कोई टीचिंग का एग्जाम दिया है या ये जो चैनल मेरा है सीटेट का है, उसमें भी आप एक वीडियो देखा होगा, LSRW, ये लैंग्वेज के 4 पिलर्स हैं। इनसे क्या होता है, कोई भी भाषा सीखनी है आप, चाहे कोई भी लैंग्वेज सीखो, उसमें आपको ये 4 पिलर्स काम आएंगे ही आएंगे, इनके बिना आप सीख नहीं सकते हो। जिस तरह से क्या कहा जाए, ये पिलर्स, इनको इसलिए मैं पिलर्स बोल रही हूँ क्योंकि ये बेस है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। तो सुनिए, बोलिए और फिर रीडिंग और राइटिंग। तो आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि आप सुनना स्टार्ट कीजिए आज से ही। आज मान लीजिए आप न्यू ईयर है आज से, वैसे भी सभी लोग नए साल में नए नए गोल बनाते हैं कि भाई आज से मैं ये गोल बनाता हूँ, भले वो एक हफ्ते में चले, लेकिन आप इसको गोला यदि आप छोटे छोटे बनाएंगे ना तो वो लंबे समय तक चल सकते हैं। गोल क्यों नहीं ज्यादा समय तक चल पाते, क्योंकि क्या करते हैं हम, बहुत बड़े बड़े गोल बना लेते हैं। तो छोटे छोटे गोल बनाइए, ठीक है, छोटे छोटे गोल बनाइए ताकि वो पूरे हो सके। तो आप सिर्फ एक वीडियो देखिए, उसमें क्या गाइडलाइन दी है उनको फॉलो कीजिए बस। तो सबसे पहले आप आज से स्टार्ट कीजिए सुनना सुनना सुनना। आप एक महीने, दो महीने, छह महीने, आपकी जैसी कैपेसिटी होगी, आप जितना ज्यादा सुनोगे
लेकिन सुनिए, सिर्फ इंग्लिश सुनिए। आप क्या कीजिए, न्यूज देखते हैं तो उसको इंग्लिश कर लीजिए, आप इंग्लिश में ही न्यूज सुनिए। मूवी देखते हैं वहां भी इंग्लिश कर लीजिए, ठीक है। गाना सुनते हैं वहां भी इंग्लिश कर दीजिए। आप मतलब जो भी चीज सुन रहे हैं ना उसको इंग्लिश में कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। 6 महीने के लिए सोच के चलो, 6 महीने तक आपको सुनना ही सुनना है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, तो आप कितना जल्दी सीख सकते हो या कितना लेट कर सकते हो। लेकिन इतना मेरी गारंटी है कि आप 6 महीने में सीख जाओगे। एक साल कोई बच्चा लेट भी सीखता है बोलना, तो 1 साल लेके चलते हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। फिर भी तो सबसे पहले सुनना स्टार्ट कीजिए, ये आज से ही कर दीजिए। तो आज का मेरा वीडियो जो है उसमें बस आपको इतना ही बताऊंगी कि आप बस ये फर्स्ट पिलर जो है उसकी प्रिपरेशन कीजिए लिसनिंग की। तो सुनिए, आज से ही सुनिए, यदि आप सच में डेडिकेटेड हैं सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। और आपको कोई समस्या है, आपको कितनी इंग्लिश आती है, आप अपने कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।